हम मिलकर काम करेंगे हिमाचल आगे बढ़ेगा। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो कभी देश जो है हिमाचल जो है जो मजबूत नहीं होगा। मैं जाऊँगा, आप जानते हैं पिछले कुछ समय में मैं बीमार भी रहा। हाँ जी, पर अब बहुत बेहतर है। अब मैं बहुत बेहतर हूँ, माँ बीमा काली के आशीर्वाद से बहुत बेहतर है। माता बीमा काली के और जनता के जो प्यार है उसकी वजह से मैं उस बीमारी से मुक्त हो गया हूँ जी। और मैं जल्दी ही जी सारे हिमाचल प्रदेश का दौरा करूँगा, कोई लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, सारे हिमाचल प्रदेश को एक समझ कर जी, सारे हर क्षेत्र के मेरे सेवा हमारी सरकार ने वो सेवा की जी। और किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा जी, हिमाचल एक है और एक होकर इकट्ठे रहेगा। कोई ऐसा भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि वो कोई मुख्यमंत्री या कोई जो ऊंचे पद पर है वो क्षेत्रवाद के जमीने में पड़े जी। है जो जी। सरकार होती है वो सारे प्रदेश के लिए है जी, देश की सरकार सारे देश के लिए है जी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सरकार का ध्यान जो है वो प्रत्येक क्षेत्र के लिए होना चाहिए और उनके उत्थान के लिए वो सोचना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। कभी बुरा दौर भी आता है जी और बीमारी फैल जाती है जी, मगर इसके बारे में कोई भी सरकार हो जी और उसको जो है सचेत रहना चाहिए और उसको उसका मुकाबला करने के लिए वो उसकी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इस्तेमाल में लानी चाहिए जी। मैंने किसी भी क्षेत्र के साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया है और मेरी नज़र में सारा हिमाचल एक और कोई भी राज्य की सरकार है उसको सभी को एक समझते हुए, एक परिवार समझते हुए उसके मुताबिक काम करना चाहिए जी। जो आज शिमला में नहीं आ सके, हॉली लॉज में नहीं आ सके, वो उसके कई कारण है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए ना जी। जो ये लॉकडाउन हुआ है, सारा बंद हुआ हुआ है, इसकी वजह से नहीं आ पाए। ठीक है, बहुत दूर दराज से, कोई रामपुर से, कोई किन्नौर से, पांगी भरमौर से, तो उन लोगों के लिए आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं। विशेष करके नहीं, लोग जो है दूर दूर से आते, दूर दूर से आते। हाँ जी, और हिमाचल एक है, शिमला हिमाचल की राजधानी है और मैंने सो इसी लिए मैंने ये कांगड़ा के एरिया के लिए जो है वो एक अलग राजधानी आपने बनाई, दूसरी राजधानी कांगड़ा के लिए बनाई और विधानसभा का गठन भी किया है। विधानसभा का गठन किया और इसलिए जो है एकता का सूत्र जो है एकता बड़ी चीज है। हम मिलकर काम करेंगे हिमाचल आगे बढ़ेगा। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो कभी देश जो है हिमाचल जो है जो मजबूत नहीं होगा।